नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा पुलिस को बीते दिन उस समय सफलता हाथ लगी जब चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से नकदी और चांदी एवं अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये 7 चोर पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। तो देखते रहिए कमलेश गहलोत की ये खास रिपोर्ट। लगभग 20 दिन पूर्व फतेहाबाद क्षेत्र में ज्वेलर की दुकान में चोरी हुई थी। उन्होंने शिकायत दी थी कि लगभग 12 से 13 किलो उनकी चांदी और लगभग 60 ग्राम सोना चोरी हुआ है। उसके बाद में हमने स्थानीय थाना पुलिस, सर्विलांस टीम, CIW इनके जरिए इसमें लगातार अन्वेषण जारी था। चेकिंग के दौरान जो अभियुक्त हमें कल मिले हैं, 4 अभियुक्त कल गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम मुकेश है जो थाना क्षेत्र दक्षिण का है, फिरोजाबाद जनपद। इस पर 11 मुकदमे पूर्व में चोरी के पंजीकृत हैं। दूसरा अभियुक्त है बंटू, ये थाना क्षेत्र एतमादौला का है। इस पर 12 मुकदमे हैं चोरी के। वीरेंद्र थाना क्षेत्र ताजगंज का है, 8 मुकदमे चोरी के हैं। विष्णु वर्मा थाना क्षेत्र सागंज का है, 5 मुकदमे चोरी के हैं। इन तीन अभियुक्तों की तीन इसमें मुख्य अभियुक्त थे, मुकेश, वंटू और वीरेंद्र। विष्णु को इन्होंने अपना माल दिया था बिकवाने के लिए, विष्णु और सैलू। सैलू अभी फरार चल रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनसे जो माल बरामद हुआ है वो कुछ इस तरह से है, 2,44,000 इनसे नकद बरामद हुआ है, 4.4 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है, 20 ग्राम पीली धातु, 2 एक्टिवा और कुछ ब्लैंक चेक। जो ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं वो थाना क्षेत्र छत्ताब में चोरी किए गए थे, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की भी चोरी हुई थी और उसी के दौरान ये ब्लैंक चेक भी इन्होंने वहाँ से चुराए थे। इन पर गैंग पंजीकरण की आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी निरोधात्मक कार्रवाई होगी वो भी अमल में लाई जाएगी। किस तरीके से सारी वारदात को इन्होंने घटना से पहले रेकी की थी, ये देखते हैं कि जिन घरों की छत या तो RCC की नहीं है, पट्टियाँ डली हुई है, उनको ये निशाना बनाते हैं। जो फतेहाबाद में ज्वेलर की दुकान पर चोरी हुई है वो पट्टी की छत थी, पट्टी की छत को तोड़कर ये वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये भी देखते हैं कि जिन ज्वेलरी की दुकानों में लॉकर नहीं होते, जो दीवार में कसे हुए होते हैं वो लॉकर नहीं होते, उनको उनके लिए तोड़ना आसान रहता है, तो उन पर ये अपना शिकंजा कसते हैं, अपना टारगेट रखते हैं। इसमें अभी तक की जो तहकीकात में सामने आया कि एक साथी और है जो फरार चल रहा है, सैलू नाम का व्यक्ति है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आगरा में काफ़ी वारदातें इन्होंने की है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि शहर क्षेत्र में भी इन्होंने वारदातें की हैं। ये पहले भी जेल में गए हैं, चोरी के मुकदमे हैं इन पर पहले से, और अन्य जनपदों में अगर कोई मुकदमा इन पर पंजीकृत है तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है।